गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं कर रही हूँ सुबह सुबह पूजा, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है पूजा के साथ। तो मैं यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल दूँगी, फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी, वहाँ से पूजा का पानी लूँगी और फिर ऊपर जाके पूजा रूम साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं अक्सर पूजा रूम नहाने के बाद ही साफ़ करती हूँ। बाकी पूरे घर में साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे नहाने के बाद ही साफ़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब दिया जला ले रही हूँ। मैं यहाँ पे दो दीपक जलाऊंगी, क्योंकि एक यहाँ पूजा रूम में रखने के लिए और दूसरी दीपक जो जलाऊंगी वहाँ पे तुलसी माँ के पास रखूंगी। तो मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जल के घेरे लगा दे रही हूँ, क्योंकि पूजा करने वक्त मैं हमेशा लगाती हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो आप भी लगा सकते हैं। तो फटाफट से अब पूजा कर लेते हैं। मारा बहुत रो रही है, इसलिए इसे पूजा की घंटी दे दी है, थोड़ा सा शांत रहेगी। तो मायरा बहुत रो रही थी, इसलिए उसे गोद में लेकर पूजा करना पड़ रहा है। सुबह सुबह वो जागी तो फिर सबसे पहले मेरे ही पास आती है, इसलिए वो रो रही थी। अब मैंने ऊपर का पूजा ख़त्म करके नीचे आ गई हूँ तुलसी माँ को दिखाने और सूर्य भगवान को आरती दिखाने के लिए। तो मेरी पूजा आज की हो गई है पूरी। वो आपके साथ शेयर करूंगी। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया है तो चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी तो बाजार में आम मिल ही रहे हैं, अभी आना बंद नहीं हुआ है। तो आज मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। तो मैं यहाँ पे आम को कट कर रही हूँ और कट करके उसके पल्प को निकाल लूँगी, उसके बाद मैंगो शेक बनाऊँगी। और नाश्ते में कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, बस थोड़े से ब्रेड सेकूँगी और मैंगो शेक के साथ आज का नाश्ता यही रहेगा, क्योंकि संडे को मैं रोटियाँ वगैरह नहीं बनाती हूँ, हल्का फुल्का नाश्ता बनाते हैं और वही खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंगो शेक तैयार कर रही हूँ, तो मैं कट वट कर देती हूँ, मैंगो के जो पल्प वो निकाल लूँगी और बनाएंगी इसे मेरे हस्बैंड जी, क्योंकि वही अक्सर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, ये देखिए। अगर आपको मैंगो शेक अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किन किन को मैंगो शेक अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंगो को तो कट करके पल्प निकाल लिए हैं, थोड़े से इसमें चीनी डालेंगे और एकदम ठंडी ठंडी दूध डालेंगे, आप चाहेंगे तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं मैंगो शेक। तो हमारे ये मेरे बहुत हेल्प करते हैं हर काम में, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करें तो घर के सारे काम भी जल्दी से हो जाते हैं और काफ़ी फिर फ्री टाइम भी मिल जाता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे बन चुका है मैंगो शेक और पता नहीं मेरे हस्बैंड क्या ढूंढ रहे हैं। ये देखिए क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ किचन में ढूंढ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ढूंढ रहे हैं जो कि घर में ख़त्म हो चुका है और अभी है नहीं तो ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस घर में ड्राई फ्रूट्स नहीं है और मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे हैं देखिए, और ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं क्योंकि अभी मैं आई हूँ मार्केट से, इसलिए अभी घर में कोई सामान नहीं है तो अभी लाना है। तो आज संडे है तो आज मिल गया ड्राई फ्रूट्स, मिल गया ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए ये खराब हो चुका है, इसमें कीड़े लग गए तो ये वाले ड्राई फ्रूट्स यूज नहीं कर सकते। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ प्याज, क्योंकि आज बनने वाला है मटन। क्योंकि सुबह में इसीलिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि दोपहर में मटन चावल बनाना होता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मटन और कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि जल्दी से बन जाती है, 8 से 10 मिनट इसे बनने में लगता है। तो आप देख सकते हैं ना कि मेरी मायरा अभी भी गोद में ही है, उसे लेते हुए ही गोद में हर काम करनी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा सा मायके से आने के बाद सबके गोद में रह रहे कि उसको आदत सी पड़ गई है गोद में रहने की। तो यहाँ पे मैं उसे लेकर और खाना बना रही हूँ दोपहर का, और
साथ में ही मैं चावल भी बना लूँगी, क्योंकि दोनों साथ साथ बन जाएगी तो मुझे भी सारे काम से छुट्टी मिल जाएगी। तो इस एक तरफ मैं मटर बना रही हूँ, दूसरी तरफ चावल पका रही हूँ। तो ये देखिए चावल भी हो जाएगी साथ में मटर भी हो जाएगी। तो मैं रख देती हूँ थोड़ा देर के लिए मायरा को नीचे, और उसके बाद चावल हो गया है रेडी। तो इसका मैं चावल में जो स्टार्च माड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे बिहार में, तो वो निकाल दे रही हूँ। और गाइस देखिए मायरा रो रही है, ये बिल्कुल नहीं रहती है, नानी का जाने के बाद ये रोना सीख ली है सबके गोद में रह के, तो ये रोती ही रहती है। तो मुझे सारे जो काम है ना उसे लेकर ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मायरा को नहला धुला कर आराम से उसे सुला दिए हैं। तो फ्रेंड्स मायरा को मैंने सुला दिया है और अभी मटन भी बन गया है। थोड़े से किचन को साफ़ करूँगी और थोड़े से बर्तन भी है तो उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इन्होंने आम लेके आए थे तो इसे धो लेती हूँ और किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनने के बाद तुरंत किचन साफ़ कर लेने में मुझे अच्छा लगता है और मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। तो मैं फटाफट से किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए किचन एकदम से साफ़ हो चुकी है और एकदम अच्छे से साफ़ है। बर्तन भी धो डाले हैं और इसके बाद इवनिंग होने वाली है तो मैंने झाड़ू भी घर में लगा लिया है। तो ये देखिए अब शाम को मैं खाने में आज सिर्फ रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह का जो मटन था दोपहर में जो बनाई थी वो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खा लेगा और मैं दूध रोटी खाऊंगी। मुझे रात में ज़्यादातर दूध रोटी ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रात का लाइट खाना। बाकी जो भी हैवी बनाना होता है मॉर्निंग या फिर दोपहर में बनाते हैं। तो ये देखिए मेरी रोटियाँ एकदम फुली है और एकदम गरम है, और मैं रोटी तवे पे ही उसे अच्छी तरह। तो गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ ग्रोसरी का सामान लाने के लिए, क्योंकि घर में कुछ है नहीं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में